नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग मैथ स्टार में। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नीचे लिखे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के वितान पाठ चार की, डायरी के पन्ने, जिसको लिखा है एने फ्रैंक ने। तो दोस्तों यह एक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एने फ्रैंक द्वारा एक डायरी लिखी गई, उसी से लिया हुआ कुछ भाग है। तो दोस्तों डायरी लेखन एक प्रमुख विधा है साहित्य की। डायरी लेखन में कल्पना कम होती है दोस्तों और यथार्थ ज़्यादा होता है, मीन्स लगभग यह सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। एने फ्रैंक की डायरी द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास पर प्रत्यक्ष प्रकाश डालती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड तथा जर्मनी के प्रभाव में था। उस समय जर्मनी व हॉलैंड में रहने वाले यहूदी लोगों पर बहुत अत्याचार ढाए गए थे। उन्हें यांत्रणाग्रहों में अमानवीय यांत्रणाएं दी गई थीं। उन पे बहुत से जुल्म ढाए गए थे और उनको बहुत परेशान किया था और उनके कत्ल कर दिए गए थे। यह डायरी में हॉलैंड के दो यहूदी परिवार की आप बीती है। उन्होंने 2 वर्ष से भी अधिक काल तक गुप्तवास में दिन बिताए, मतलब कि लोगों से छुप छुप कर उनको रहना पड़ा बिना बाहर आए। उस गुप्तवास के अनुभव को इस पाठ में लिखा गया है। दो यहूदी परिवार गुप्तवास में एक साथ रहते थे। वे कुल 8 सदस्य थे। एक था फ्रैंक का परिवार, जिसमें उसके माता पिता 13 वर्षीय एन और उसकी बड़ी बहन मार्गोट थी। दूसरा परिवार वानदान का था, जिसमें माता पिता 16 वर्षीय पीटर उनका लड़का और मिस्टर डसल थे। डायरी लेखक 13 वर्षीय एन नामक लड़की है। ये उन दो परिवारों के अज्ञातवास का जीवन दस्तावेज है। यह डायरी पत्र के रूप में लिखी गई है। इसमें कई पत्र हैं। वह इन पत्रों को किट्टी नाम की गुड़िया खिलौने को लिखती थी, जो कभी उसके अपने जन्मदिन पर उपहार के रूप में मिली थी। वह इस गुड़िया से काफ़ी प्यार करती थी एन। संभवतः वह उसको अपने पूर्व स्थान में छोड़ आई थी। जब वह अपने घर से छुपने के लिए निकली, तभी वह गुड़िया अपने ही पिछले स्थान पर छोड़ आई थी। अब उसको उसकी बहुत याद आती थी, इसलिए वह अपनी आप बीती अपनी गुड़िया किट्टी को लिखती थी। वह बुधवार 8 जुलाई की बात बताती है। 8 जुलाई 1942 के पत्र में किट्टी को लिखती है कि रविवार का दिन था। मिस्टर वंदान के घर गई थी, मतलब कि उसकी माँ मिस्टर वंदान के घर गई थी। वंदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं। तब मार्गोट ने कहा कि पापा को बुलावा आया है। मैं हैरान थी। बुलावे का मतलब था यातना ग्रहों में भेजना, वहाँ की काल कोठरियों का स्मरण करके हुए रूह कांप जाती थी, क्योंकि वहाँ पे स्थिति बहुत ही भयावह थी। हमने तय किया कि पापा को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। हमें पता था कि नाजी सेना अब हमें नहीं छोड़ेगी, इसलिए हमें कहीं गुप्त स्थान पर छुप जाना चाहिए। हम कल ही छुपने की जगह जाएंगे। वानदान का परिवार भी हमारे साथ जाएगा। उस समय पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए थे। हम सभी चिंतित थे। वानदान और माँ घर आ गए, तब मालूम हुआ कि बुलावा पापा के लिए नहीं अपित उसकी बड़ी बहन मार्गोट के लिए आया था। उस समय सेना को जवान लड़कियों की खास जरूरत पड़ती थी। वह उनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से करते थे। मार्गोट तब 16 साल की है। हमें मालूम नहीं था कि हम छुपने के लिए कहाँ जाएंगे। यही पता था कि कहीं जाना है, इसलिए हमने अपना सामान रखना शुरू कर दिया। हम अज्ञातवास जाने से अत्यंत भयभीत भी थे। कुछ ईसाई कर्मचारी पापा के साथ काम करते हैं, उनकी हमारे प्रति सहानुभूति थी। उनमें से मिया पेक थी। उनके पति जॉन भी पापा के दोस्त थे। वे दोनों रात को हमारे घर आए, कुछ सामान उनके बैगों में भरा, जिनको लेकर वे रात को ही चले गए।
दूसरे दिन सुबह हम तैयार थे। सुबह मियाँ पाई व मार्गोट को अपने साथ लेकर अज्ञातवास को चली गई। सुबह 7:30 बजे हम भी घर को वैसा ही छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। घर में एक जीवित प्राणी बिल्ली को छोड़कर आए थे, उसी को गुड बाय करके हम घर से निकले थे। आज गुरुवार का दिन था। 9 जुलाई 1942 के पत्र में एन किट्टी को लिखती है, पापा मम्मी और मैं कंधों पर बड़े बड़े थैले लिए तेज बरसात में भीगते हुए जा रहे थे। लोग हमें बड़ी दयनीय निगाहों से देख रहे थे। स्थिति बहुत ही खराब थी। जब हम आगे गली में पहुंचे तब पापा ने हमें अपनी सारी योजना बताई। हमारी छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में थी। यह जगह पापा ने कई दिन पहले से तय कर रखी थी। पापा ने घर का बहुत सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके पहले से ही वहां रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि पापा परिस्थितियों को पहले ही समझ चुके थे। पापा के ऑफिस के सभी कर्मचारी ईसाई थे। वे हमारे अत्यंत विश्वासपात्र थे। उन्हीं के सहयोग से यह सब कुछ हो रहा था। उस भवन में कई कमरे तथा गोदाम थे। उस भवन के पिछवाड़े एनेक्सी में हमारा गुप्त आवास था, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लग सकती। वहां पहुंचने के लिए कई प्रकार की सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। कई गोदाम, कई ऑफिस के रूम तंग गलियारे पार करने पड़ते हैं। उसमें कई कमरे हैं। हमने उनका अलग अलग प्रयोग किया। वानदान का परिवार भी हमारे साथ के कमरों में है। एक बड़ा कमरा कॉमन रूम भी है, जहां हम दोनों परिवार बैठते हैं। रहन सहन की दृष्टि से यह गुप्तवास अच्छा था। शुक्रवार 10 जुलाई 1942 के पत्र में एन ने अपनी गुड़िया किट्टी को लिखा कि हम सब इस गुप्तवास में पहुंच गए। मार्गोट पहले ही पहुंच चुकी थी। कमरों में सब सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। सब लोग थककर चूर हो गए थे। माँ और मार्गोट लेट गए तथा मैं और पापा सामान ठीक करने लगे। हम सारा दिन पैकिंग खोलकर उन्हें ठिकाने पर लगाते रहे। यहाँ से जिंदगी का एक नया आयाम शुरू हो गया था। शनिवार 28 नवंबर 1942 के पत्र में इन लिखती है कि हम इन दिनों अधिक बिजली खर्च कर रहे थे, जो राशन से अधिक हो गया था, इसलिए एक पखवाड़े तक बिना बिजली के काटते रहे। हमारे साथ एक मिस्टर डसल थे, जो अधिकांश बच्चों के साथ बैठना पसंद करते थे। मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी। वे बहुत पुराने जमाने की बातें करते हैं। हमें अकल देने के लिए लंबा अनुशासन प्रद भाषण झाड़ते हैं। वे प्रायः मेरी शिकायत माँ से कर देते थे, फिर माँ भी मुझे अनुशासनहीनता के पर डांटती थी और अनुशासन पालन का पाठ पढ़ाती थी। जब मैं रात को बिस्तर पर होती हूँ तो अपने दिन भर की खामियों के बारे में सोचती हूँ। वो इतनी अधिक होती हैं जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। मैं सोचती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ। ऐसी कोशिश भी करती हूँ। शुक्रवार 19 मार्च 1943 के पत्र में एन लिखती है कि आज के अखबार में खबर है कि टर्की, जो अभी तक तटस्थ था, अब इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है। यह खबर उत्साहवर्धक तो थी, परंतु एक खबर यह भी थी कि 1000 गिल्डर का नोट अब अवैध घोषित कर दिया गया है। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था। यदि यह नोट लेकर बाजार गए तो यह भी बताना होगा कि यह नोट कहां से और कैसे आया। हमने रेडियो पर हिटलर को घायल सैनिकों से बात करते हुए सुना। सैनिक उससे बात करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे थे। अब शुक्रवार को वह दोबारा किट्टी नामक गुड़िया को लिखती है। शुक्रवार 23 जनवरी 1944 के पत्र में एन लिखती है कि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, परंतु आजकल मैं खाली समय में अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। मेरा यह संग्रह अच्छा खासा हो गया है। मिस्टर कुगलर मेरे लिए सिनेमा पत्रिका लाते हैं, जिसे मैं बड़े चाव से पढ़ती हूँ। मुझे फिल्मी नायक नायिकाओं व कहानियों का अच्छा ज्ञान है। जब मैं कई केस सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ तो सब मुझसे चिढ़ते हैं। इस पर लोग टिप्पणियाँ भी करते हैं, जिससे मैं फिर अपने पुराने स्टाइल पर आ जाती हूँ। अब बुधवार 28 जनवरी 1944 की डायरी में एन लिखती है कि हम सभी आपस में बात करते रहते हैं। हमारे पास कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है।
मम्मी और मिसेस वंदन अपने बचपन की उन बातों को कहती हैं जिन्हें हम हजार बार सुन चुके हैं। मिस्टर डसिल के लतीफ़े तो हर समय उबाऊ होते हैं। सभी के लतीफ़े समय काटने के लिए होते हैं, जो पहले भी कई बार सुने होते हैं। जॉन और मिस्टर क्लीमेन अज्ञातवास में छुपे लोगों के बारे में सुनने को उत्सुक रहते हैं। इन दिनों ऐसे लोगों की जानकारी आम बात है। गिरफ्तार हुए लोगों के प्रति उन लोगों को हमदर्दी है। इन दिनों फ्री नीदरलैंड्स जैसे विरोधी दल भी हैं जो भूमिगत लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाते हैं। हम लोग भी उन्हीं की मदद से जी रहे हैं। ऐसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करते हैं। वे लोग जन्मदिन और दूसरे मौक़ों पर फूल और उपहार लाते हैं। वे हर संभव मदद करते हैं। वे लोग हमारे लिए नकली राशन कार्ड बनाकर हमें राशन पहुँचाते हैं। इन सब के साथ उन्हें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि उनके कारनामों की हवा जर्मनों को ना लगे। बुधवार 29 मार्च 1944 को एन अपनी डायरी में लिखती है कि कैबिनेट मंत्री बोलके स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद इस बारे में लिखे गए डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। मैं सोचती हूँ कि युद्ध के 10 साल बाद जब लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हमारी दशा क्या थी, तो वे कितना चकित होंगे। वह दुखी हो जाती है। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। समाज में चोरी चकारी इस कदर बढ़ गई है कि लोग 5 मिनट के लिए घर खाली नहीं छोड़ सकते। इस कारण डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज खत्म हो गया है। 8-10 साल के बच्चे घर की खिड़कियां तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। हालात यह हैं कि पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। बच्चे बीमार या भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े व जूते पहनते हैं। मंगलवार 11 अप्रैल 1944 के डायरी लेख में एन कहती है कि 2 दिन इसी तरह हंसने खेलने में बीते। कल 2 बजे तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गने चल रही थी। आज रविवार के दिन मेरा अधिकांश समय पीटर के साथ बीता। शाम को पीटर ने पिताजी को बताया कि सेंधमारी बढ़ रही है, चारों ओर खतरा है। हम सब डर रहे थे। वानदान ने कहा कि बत्तियां बंद कर दो और दबे पांव ऊपर वाली मंजिल में चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। भवन में बार बार सेंधमार घुस रहे थे। पुरुष लोग उनका विरोध कर रहे थे और कई सामान चोरी हो रहे थे। मंगलवार 13 जून 1944 की डायरी में एन लिखती है कि मेरा जन्मदिन गुजर गया। अब मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। मेरे लिए कई उपहार भी आए लेकिन सीने में डर व्याप्त था। ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे हैं। वो हॉलैंड को जर्मनों के कब्जे से छुड़ाना चाहते हैं। यदि ब्रिटेन ऐसा नहीं करता तो हॉलैंड जर्मनी बन गया होता। मैं पीटर को बहुत चाहती हूँ। वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं जब उसको एक दिन नहीं देखती हूँ तो मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है। मैंने और पीटर ने अपने महत्वपूर्ण दिन एनेक्सी में बिताए। मैं बाहर प्रकृति के बीच जाने के लिए लालायित रहती हूँ। आसमान, चांद, बादलों व तारों को देखना मुझे शांति प्रदान करता है। एक प्रश्न मुझे अक्सर परेशान करता है। पुरुष सब जगह आ जा सकते हैं और औरतें कमरे में बंधी रहती हैं। यह स्त्रियों के प्रति अन्याय है। औरतों में सबसे अधिक सहन शक्ति है। इस बात की कोई परवाह नहीं करता। सैनिकों को सम्मान दिया जाता है लेकिन औरतों को नहीं, जबकि उनका त्याग सैनिकों से कम नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है कि भविष्य में औरतें ज़्यादा सम्मान की हकदार बनेंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।